Today I am joining you all for with a very new topic. Hello everyone, I am Dr. Jayashree Batak. I am a consultant infertility and IVF specialist from World Infertility and IVF Center, Lajpat Nagar, Delhi. What to eat during the IVF process to increase our fertility rates? This diet is for before the IVF, during the IVF, and once you get pregnant. Please continue the same diet all throughout your 9 months. And I assure you, you will get pregnant and you will deliver a healthy baby. So first, let's start what you need during the process of fertility. We need a lot of folic acid, we need calcium, we need magnesium, we need iron, we need a lot of antioxidants. We need to get rid of all the unsaturated trans fats and build a healthy environment around us so that the egg and the sperm quality both increases. So during this, I'll be telling you the diet which you can get from your kitchen and you can get easily around you. Let's start what to eat. So in order, as I told you, during this whole pre-pregnancy and during the period of IVF process, we need folic acid. We always write in your prescription folic acid. So from where can you get this folic acid? From a lot of green leafy vegetables. So aap apne kitchen se palak बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है. जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ब्रोकली है, ये सारे वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें. इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बताऊं तो जितनी रंग बिरंगी सब्जियां जो कि इवन कैप्सिकम, ग्रीन, रेड पेपर, येलो पेपर, बहुत ही कलरफुल अगर आपका डाइट होगा, यू विल बी वेरी गुड विथ ऑल दी एंटी ऑक्सीडेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड फर्टिलिटी रिजल्ट. फ्रूट्स में अगर हम आते हैं तो आप क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि बनानास, बेरीज. दीज आर टू वेरी गुड फ्रूट्स विच आर इजिली अवेलेबल. बेरीज में आप रैसबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी कुछ भी ले सकते हैं. फ्रूट्स रिच इन विटामिन सी. विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा विटामिन है जो हमें हर चीज के लिए चाहिए. इट गिव्स अस इम्यूनिटी, इट गिव्स अस एंटी ऑक्सीडेंट्स. तो इसके लिए विटामिन सी रिच फ्रूट्स आपको जरूर इंक्लूड करने हैं, जैसे कि मौसमी, संतरे, ग्वावा, पियर. ऑल दीज फ्रूट्स आर सीजनल. किसी ना किसी सीजन में एक फ्रूट आता है, दूसरा जाता है. प्लीज इंक्लूड दीज फ्रूट्स इन योर डाइट. नेक्स्ट कम्स टू द सैलेड. हाई फाइबर डाइट इज वेरी मच नीडेड बिकॉज all the medicines which we give during the process of fertility, it increases constipation. In fact, pregnancy in itself increases the chances. So fiber diet should be there. In that, please have salad. Cucumber is very good for fertility. So please include salad in your diet always. Now in the fruits only, I would like to add some dry fruits which you should include. लोग कहते हैं बादाम खा लें, ये खा लें. बादाम और वॉलनट्स, अखरोट जिसे कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है फर्टिलिटी पे. बकायदा आप देखेंगे कि वॉलनट से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं विच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ एग क्वालिटी एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन मेन ऑल्सो टू इम्प्रूव द स्पर्म क्वालिटी. तो आप अपने डाइट में बहुत नहीं, 2-3 दाने बादाम के, 2-3 दाने आपके अखरोट के जरूर ये आप इंक्लूड करें एंड यू विल फाइंड द बेस्ट रिजल्ट. This is, I am telling you, pre-pregnancy, pre-IVF and during IVF both. This will improve the quality of egg and sperm. Next, pulses. Protein हमें बहुत चाहिए. Protein हम कहाँ से अच्छा पा सकते हैं? दालों से. अगर आप वेजिटेरियन है, दाल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है. बीन्स जिसे हम राजमा कहते हैं. सो इंक्लूड पल्सेज इन योर मील. आप जो एक लंच करें उसमें दाल जरूर होनी चाहिए. और राजमा ले, बॉइल्ड बीन्स आप खा सकते हैं और इनमें मिर्ची मसाला हमेशा अपनी डाइट में कम कर दें. इसके अलावा जैसे आजकल हम बोलते हैं होल ग्रेन सीरियल्स, होल ग्रेन सीरियल्स का बहुत ही आजकल हम लोग प्रमोट करते हैं बिकॉज इससे हाई फाइबर मिलता है, इससे वेट आपका मेंटेन रहता है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं जा रही होती है. होल ग्रेन सीरियल्स को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें. उसके अलावा कुछ सीड्स होते हैं जो आजकल बहुत प्रमोट किए जाते हैं,
वो आप अपने डाइट में इंक्लूड करें, जिसमें कि फ्लेक्स सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, वाटरमेलन, ये सारे सीड्स से चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं जो नॉर्मली आपको मल्टीविटामिन्स देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं, आपको हाई फाइबर डाइट इंक्लूड करते हैं, तो प्लीज इंक्लूड दीज डाइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमें नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्या है. एग इज वेरी गुड. आप एग को हमेशा बॉइल्ड एग खा सकते हैं, एग को जिस प्रकार में आप खाना चाहें, मगर डेफिनेटली विद लेस ऑफ ऑयल. आप मीट, चिकन ये सब इंक्लूड कर सकते हैं, फिश इंक्लूड कर सकते हैं, बट कभी भी डोंट यूज टिंड मीट, डोंट यूज अनप्रोसेस्ड मीट. आप हमेशा फ्रेश चिकन और फ्रेश फिश आपको कुक्ड लेनी है. रॉ कोई भी मीट या फिश अनकुक्ड ये नहीं लेना है. इसके अलावा हमें और क्या लेना है, ब्राउन शुगर लीजिए. व्हाइट शुगर अपनी डाइट से प्लीज हटा दें. ऑलवेज लेस ऑफ शुगर, जितनी जरूरत है उतना ही खाएं, उससे ज्यादा नहीं लें. ऑयल्स में आप कौन सा ऑयल खा सकते, किसी भी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं. तो अब हम फैट पे जब आते हैं तो प्लीज हमें ट्रांस फैट अवॉइड करने हैं, हमें हेल्दी फैट्स लेने हैं, जो कि हमारे इंडियन डाइट में मस्टर्ड ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑयल. इसके अलावा आप ओलिव ऑयल यूज करते हैं, जितने भी आप ट्रांस फैट ड्यूट बहुत तली हुई चीजें खाते हैं, इसको आपको अवॉइड करना है. नाउ व्हाट टू अवॉइड, पपाया मे बी वेरी गुड ड्यूरिंग द प्री प्रेगनेंसी पीरियड बिकॉज इट इज येलो इन कलर, रिच इन विटामिन ए, रिच इन विटामिन सी, बट अवॉइड पपाया ड्यूरिंग द IVF प्रोसेस एंड पोस्ट. इवन पाइनएप्पल समटाइम्स और मोस्टली डॉक्टर्स रिकमेंड कि पाइनएप्पल भी आप IVF के बाद ET में नहीं यूज करें. उसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग डेफिनेटली यू हैव टू कट डाउन. आपको कट डाउन नहीं, हटाना ही है. अगर मैं कट डाउन बोलती हूँ तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हमें एक अच्छा एग और एक अच्छा स्पर्म, इन चीजों से हमें डेफिनेटली दिक्कत होगी प्रेगनेंसी आने में. नेक्स्ट हमें क्या अवॉइड करना है, कार्बोहाइड्रेट लेडन फूड्स, जैसे शुगर लेडन, जैसे आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोका कोला, इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ शुगर है, तो प्लीज आप इन्हें अवॉइड करें. जैसे मैं अभी बताई चुकी हूँ व्हाइट शुगर्स भी अवॉइड करें, उसी तरह जो शुगर फ्री सैकरीन मिलते हैं उनको भी अवॉइड करें आप, क्योंकि उनमें भी देखा गया है कि वो भी प्रेगनेंसी में बहुत हेल्पफुल नहीं होते. इनफैक्ट उनके कोई रिकमेंडेशंस भी ऐसे अवेलेबल नहीं होते कि हाउ मच हेल्पफुल दे. आपको क्या जरूर करना चाहिए, 30 मिनट्स ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. स्टार्ट डूइंग योगा, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, हैवी एक्सरसाइजेस जिसमें आप बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हैं प्लीज अवॉइड इट. और टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स, टेक लॉट ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स, and hopefully with this diet you will get pregnant. Thank you so much.